था टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं क्यू और क्यू, दो चार्जेस हैं और जिनका मैग्नीट्यूड 10-10 कूलम है, क्वेश्चन में गिवन है, दो पोजीशन पे पड़े हुए हैं क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस इनके बीच में 6 मीटर गिवन है, 3 और 3 डी इज इक्वल टू 3 गिवन है, और मास आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास आपको पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है और गोल गोल घूम रहा है कुछ इस तरीके से, गोल घूम रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल राउंड गोल घूमेगा इन अ सर्कल तो उसके पास कौन सी फोर्स होनी जरूरी है, सेंट्रीपेटल, जो कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। अब इसमें वो पूछ रहा है कि जब ये गोल घूम रहा है तो इसका ओमेगा क्या होगा, तो रूल नंबर वन, ये चार्ज कैपिटल क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये सर्कल में घूम रहा है नेगेटिवली चार्ज, ये अगर एंगल थीटा तो अल्टरनेट से थीटा, तो एफ के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे एफ कॉस एफ साइन, सिमिलरली यहां पर थीटा थीटा एफ कॉस एफ साइन, तो एफ कॉस कैंसल, नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या होगी, 2f sin theta और यही प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपेटल, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज 2f sin theta जो कि सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगी, और सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, तो अपने को ओमेगा निकालना है इसमें, तो ये इक्वेशन क्लियर है पहली। आप इसमें ये देखें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इनमें फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 q इनटू माइनस क्यू का मॉड मींस 1/4πε0 क्यू इनटू क्यू, अगर ये डिस्टेंस आर है ये डी है तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये टर्म भी क्लियर है, एफ की वैल्यू आ गई, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से इजीली आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है, ओमेगा, रेडियस आपको पता है, डी आपको पता है, मास आपको पता है, ये आपको पता है, चार्जेस आपको पता है, न्यूमेरिकल लंबा नहीं आएगा, मेरे को भी मालूम है, बट पॉइंट ये है कि मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन करके हमने सेंट्रीपिटल को कैलकुलेट किया और वहां से फर्दर हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू को निकाला, कोई डाउट इसमें, तो स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3-4 हमने कर लिए थे, 6 क्वेश्चन यहां से करना है, कितने लोगों को इसमें डाउट है, हो गया ये क्वेश्चन, किया ट्राई, आगे आंसर आया इसका, नहीं आया, कितनों का आ गया आंसर, ठीक है, तो इसमें करना क्या है, चार चार्जेस किए आपने, आपको नेट फोर्स निकालनी है किस पे, कैपिटल क्यू पे, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, नेट आंसर निकालना है, तो ये एफ और एफ 90 डिग्री पे है, तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन एफ थ्री के साथ जाएगी, तो नेट आंसर क्या आएगा, नेट आंसर आएगा एफ थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। आपको तीनों फोर्सेज निकालनी आती हैं, इसकी वैल्यू को आपने यहां पुट करना है, अंडर रूट लेना है, कॉमन निकाल के आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, इन्होंने चेक किया हुआ है, ठीक, कैलकुलेशन आपने करनी है, कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई आपने करना है, आंसर में ऑप्शन क्या है, 2√2 है, तो 2√2 या करेक्शन में मेरे ख्याल से 2√2 आता है, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है 7th, कितनों का हुआ 7th, कितनों को डाउट है इसमें, देखो साइन कैसे डिसाइड करना है, ओके ठीक है, देखो आपको ऐसे करना है, इसमें ना चार चार्जेस हैं, कौन कौन से, माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और एक और चार्ज है स्मॉल क्यू, मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे नहीं पता, कह रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब सिस्टम में कुल मिला के चारों चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, मान लो मैंने ये चार्ज पकड़ लिया, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तीन फोर्सेस, इसका और इसका रिजल्टेंट यही आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके साथ ऐड हो जाएगा, पर मेरे को तो नेट फोर्स जीरो शो करनी है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्यों, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये तीनों वेक्टर तो इधर चले गए, तो
अगर ये पॉजिटिव, इसने बोला पॉजिटिव, क्यों बोला? क्योंकि माइनस ने, माइनस और प्लस है तो प्लस ने माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये चाहता है कि ये तीनों मिलके तो यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये क्यू यहाँ पे फोर्स लगाए और इन तीनों वेक्टर्स को क्या करे, कैंसिल कर दे, तभी आंसर जीरो आएगा, नहीं तो आंसर जीरो नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे हिडन ट्रायल से चेक करना पड़ेगा, ये आपको ऐसे चेक करना है कि पहले तीन जो जिसके लिए आप बिल्कुल कन्फर्म्ड हो, उसके तो नेट फोर्स पता है कि राइट जा रही है, ऊपर जा रही है, आप ये चाहते हो कि चौथा चार्ज इधर फोर्स लगाए, तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, कोई नेगेटिव को खींचेगा नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये कैसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये क्या हुआ है, तो देखो मैंने इसमें पहले एफ फोर्स निकाल ली रिपल्शन की, इसकी इसकी एफ फोर्स निकली, इसकी और इसकी एफ डैश निकली, और इसने अट्रैक्ट किया तो एफ डबल डैश निकली, इन दोनों का वेक्टर सम ये रहा, एफ डैश के साथ जाएगा और एफ डबल डैश इक्वेट करेगा, सारी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन आपकी है, सॉल्व करके मैंने आंसर निकाला, आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हाथ से ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने प्रीवियस ईयर के अंदर, आप चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कितने लोगों ने ट्राई किया ये और हुआ ये सॉल्व? हो गया। आपको अपथ्रस्ट पता लगा, इसमें अपथ्रस्ट चाहिए या उसके बिना किया? पता लगा। देखो कईयों को नहीं पता लगता कि यार ये अपथ्रस्ट कहाँ से आ गया, अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी, अपथ्रस्ट कैसे आ गया, पानी भी नहीं है, हवा में ही अपथ्रस्ट, एयर का अपथ्रस्ट तो वैसे भी नहीं लेते हम, लेकिन इसमें लेना पड़ेगा, दिखाता हूँ कैसे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि दो सेम एक जैसे बैलून्स हैं, नीचे मास लगा हुआ दिख रहा है, हवा में स्टेशनरी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टेशनरी कैसे हो सकता है, इनका अपना मास तो है नहीं, चलो तो वेट एम जी नीचे एक्ट करेगा, तो किससे पूछा कि हवा में स्टेशनरी क्यों है, तो कोई बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन ने हो सकता है इसको बैलेंस किया हो, वो हो नहीं सकता, क्यों? इस क्यू ने इसे यहां रिपेल करना है, इस क्यू ने इसे यहां रिपेल करना है, तो पक्की बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, वर्टिकल फोर्स तो कोई है ही नहीं ऊपर की तरफ, और क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दो बैलून्स भी हैं, ये भी अलग भी इक्विलिब्रियम है, सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, गिवन है, तो फिर ऐसी कौन सी फोर्स है वर्टिकल ऊपर की तरफ जो वेट को बैलेंस कर रही है, ये देखने वाली बात है। तो अब इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में एक पॉइंट को समझे, आप अगर कहीं वो गैस वाला बैलून नहीं आता 10 रुपए का, लो वो उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, कैसे उड़ता है, उड़ कैसे जाता है, नॉर्मल बैलून तो नहीं उड़ता, बैलून इसलिए उड़ता है, कोई कहता है जी गैस ना हल्की होती है इसमें हीलियम, एयर भारी होती है, हाँ सही है, लॉजिक सही है। आप अगर प्लास्टिक के बैलून को या प्लास्टिक के बॉल को किसी पानी के नीचे ले जाओ और छोड़ दो, क्या होगा, ऊपर 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 आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप कहते हो जी वो हल्की है, पानी की डेंसिटी भारी है और उसकी हल्की है तो नीचे ऊपर आ जाती है, या इन शॉर्ट आप कहेंगे पानी उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा, पानी भी फोर्स लगाता है और बॉडी ऊपर आएगी, बैलून का भी सेम है, बैलून हवा में है, जो हवा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी की तरह, बैलून हल्का है, गैस हल्की है, तो एयर उसके ऊपर क्या लगाती है, अप थ्रस्ट, वेट उसका है नहीं इतना, अपथ्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, वो ऊपर 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 उड़ता जाता है, बैलून जितने भी हवा में उड़ते हैं ऊपर की तरफ, सारी गेम अपथ्रस्ट की है, एयर अपथ्रस्ट लगाती है, एयर ऊपर जाके थिन होती रहती है, डेंसिटी कमजोर हो जाती है, पतली एयर है, तो उससे क्या होगा, अपथ्रस्ट कम लगता है और बहुत ऊपर जाके बैलून रुक जाता है, हमेशा उठता नहीं जाएगा, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। तो बैलून के उड़ने वाले क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि अपथ्रस्ट लग सकता है, ऐसे लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी तो क्वेश्चन थे कि हवा में बैलून एक्सेलरेट कर रहा है, भाई लॉज ऑफ मोशन की अब बुक खोलोगे ना वो दिखेगा, बैलून एक्सेलरेट कर रहा है, उसमें अपथ्रस्ट बीच में आ जाता है, भाई अपथ्रस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि बैलून को ऊपर लेके जाने का काम अपथ्रस्ट का ही है, वेट उसको अपोज करेगा, तो अगर अपथ्रस्ट बड़ा हो गया वेट से तो बैलून ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो अपथ्रस्ट बैलून के क्वेश्चन में लग जाता है, और इसमें तो मैं आपको हिंट दे ही रहा हूँ, तो इसमें अपथ्रस्ट है बैलून पे जो एक्ट करेगा और पूरे सिस्टम को रोक के रखेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बनाएं तो इसका वेट क्या है, एम जी, टेंशन टी एन टी, टेंशन टी एन टी, अपथ्रस्ट यू एंड यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर
टी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, टी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे टी कॉस टी साइन। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहला इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनेगी, यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ए। यही है इक्विलिब्रियम, क्या होता है, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स के इक्वल है, राइट की फोर्स लेफ्ट की फोर्स के इक्वल है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो एक तो ये इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले इसमें काम कर सकते हैं। अब 2u ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में, पूरे सिस्टम में दोनों बैलून इकट्ठे ले लें, तो ऊपर की पूरे सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस क्या है, u प्लस u 2u, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है mg, fe तो ले मत क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, वर्टिकल की बात कर रहा हूं, t और t तो वैसे ही पेयर में कैंसिल हो रहे हैं, तो जो बैलेंस फोर्सेस हैं वो 2u किसके इक्वल है, mg। तो पहली इक्वेशन क्लियर है, 2u इक्वल टू mg, और इस बैलून की इक्वेशन से u किसके इक्वल है, t cos थीटा, तो u इज इक्वल टू t cos थीटा, तो u की जगह पुट करते हैं t cos थीटा, तो ये इक्वेशन आ जाती है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी fe इज इक्वल टू t sin थीटा, तो fe इज इक्वल टू t sin थीटा, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप ध्यान से देखें आपके क्वेश्चन में tan थीटा आ रहा है तो डिवाइड कर लेना, इसको इससे डिवाइड कर लें या इसको इससे डिवाइड कर लें, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan। तो चेक करें, तो आप इसे डिवाइड करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके ये टर्म आएगी, यहाँ पर 2 भी चल रहा है, यहाँ पर 2 लगा नहीं है मेरे से, तो यहाँ पर हर जगह 2 चल रहा है, तो आपको यहाँ पर इंटू टू भी करना पड़ेगा ऐसा। तो ये टर्म आ गई, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको चार्ज निकालना है, लेकिन ऑप्शन में हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गिवन नहीं है, ऑप्शन में के गिवन है। अब के नॉर्मली डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, पर इस क्वेश्चन में डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं, कई बुक्स इस टर्म को क्या पुट करती है, कॉन्स्टेंट के, तो आप भी यहाँ पर के पुट कर लेना, k पुट करके tan थीटा इज इक्वल टू k इनटू दिस टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करके q निकाल लेना और अपना आंसर मार्क कर लेना, आपको चार्ज निकालना है, चार्ज आ जाएगा, कैलकुलेशन अपनी करना, मेन जो काम है इसमें वो है ये डायग्राम। तो डायग्राम समझ में आ रहा है कि कौन किसके इक्वल होगा, अपने आप हिट एंड ट्रायल से आंसर आएगा, घर जाके सॉल्व करना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये गिवन है कि आपके पास कितने लोगों का हो गया ये, ठीक है, तो आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ L1 L2 है, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, टेंशन T1 T2 तो आनी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, दो स्ट्रिंग्स के नीचे चार्ज लगे हुए हैं Q1 Q2 जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल के चक्कर में क्या हो रहा है, ऐसे चले गए, थोड़े टेढ़े हो गए, इस तरीके से चले गए, ठीक, तो इधर चले गए, तो यहाँ से ये टी है, तो टी या टी वन है या टी कुछ भी टेंशन ले लो, तो टी का एक कॉम्पोनेंट होगा टी कॉस टी साइन, ये चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल, तो यहां पर मुझे लेनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये भी लेनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में ये रेस्ट पे आ गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये रेस्ट पे आ जाते हैं और इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि विच ऑफ द कंडीशन इज रिक्वायर्ड, अगर मैं ये चाहता हूं θ1 θ2 के इक्वल हो, मतलब मैं नहीं चाहता कि एक पार्टिकल तो इतना पीछे, मतलब 30 डिग्री पे गया और एक 60 पे चला गया, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ दोनों 30-30 पे जाएं, ये दोनों 60-60 पे जाएं, तो एंगल मैं चाहता हूँ दोनों के बराबर हो, तो अगर एंगल बराबर हो तो क्या ऑप्शन मार्क करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसको अगर मैथमेटिकल करें तो फिर तो आंसर एक सेकेंड में आता है, टी कॉस थीटा वन किसके इक्वल है m1g और टी साइन थीटा वन किसके इक्वल है fe, अगर आप इन्हें डिवाइड कर लें तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टेन, तो ये टर्म आ गई, और यही इक्वेशन सेकेंड के लिए बनेगी, वो टेन थीटा टू में बनेगी, ये टेन थीटा वन में बन गई। मैं ये चाहता हूँ कि एंगल थीटा वन बराबर हो, देखो मास की वैल्यू अगर बराबर होगी दोनों की, है ना, m1 m2 बराबर होगा, जी तो दोनों के लिए सेम है ही है, तो fe तो वैसे ही बराबर है क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को और दूसरा पहले को क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जो कूलम फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, उससे मैटर नहीं करता कि चार्ज सेम होना चाहिए, Q1 Q2 भी बराबर बराबर फोर्स ही लगाती हैं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो जरूरी नहीं है, आपकी FE की वैल्यू तो बराबर रहेगी रहेगी, चार्ज अनइक्वल है तो भी, M और G के अंदर से अगर मास बराबर हो जाए तो थीटा भी बराबर हो जाएगा, तो जो इक्वेशन फर्स्ट की है वही इक्वेशन सेकेंड की भी है, तो ऐसे केस में हम क्या मार्क करेंगे, M1 इज इक्वल टू M2 अगर हो जाए तो θ1 बराबर होगा, और वैसे भी कॉमन सेंस है, एक तो बॉल ले ली इतनी सी, एक बॉल ले ली इतनी बड़ी, तो यार बराबर कैसे जाएगा, तो उसका तो वेट ही मार देगा उसको, तो इसलिए मास तो दोनों के बराबर होनी चाहिए, तभी एंगल क्या आएगा, दोनों का बराबर, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें आपको, ठीक, और भी ऑप्शंस हैं, लेंथ बराबर हो,
और चार्ज बराबर हो, रेशियो बराबर हो, देखो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो मास बराबर हो, कि मास के क्योंकि लेंथ के अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर ये मैथमेटिकल देखेंगे तो टेन थीटा में चार चीज़ें ही आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। तो मास बराबर करेंगे एफ ई तो वैसे ही बराबर है, वैसे ही आपका आंसर यहाँ से मैथमेटिकल सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें जो लास्ट टाइम हमने किया था, ये वाला, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप कहेंगे देखने में तो बहुत फ़र्क लग रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कुछ अलग ही लग रहा है, लेकिन प्रूफ इसका सेम है। कैसे? क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स हैं, है ना, दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स में मास क्या है, एम है, और चार्ज की वैल्यू क्या है इसमें, क्यू है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर विद सम बॉल्स, ये बीड्स हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। आपने एक चीज़ नोट की, सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है भाई, मूव कहाँ, मूव करेंगे एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाएंगी, हर चीज़ इक्विलिब्रियम में है, तो ये ऐसे टिके हुए हैं। डिस्टेंस इनके बीच में आर है, ये तो आर आर गिवन ही है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल से एंगल क्या बन जाएगा, 60। तो अब इसमें ये इक्विलिब्रियम में आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, इस पर क्या होगा। रूल नंबर वन, इक्विलिब्रियम में देखो ये इंक्लाइन प्लेन की तरह काम कर रहे हैं और ये स्फीयर रोल करते हुए नीचे आ जाएंगे, पर आ नहीं रहे, क्यों? ये मास इसे क्या करेगा, इधर रिपेल, ये मास इधर क्या करेगा, इसे रिपेल। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो ये मास इसे अगर रिपेल करेगा विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ टेंशन तो होगी नहीं, ये इंक्लाइन प्लेन का काम है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कर्व्ड सरफेस पे हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से। अगर आपको ऑप्टिक्स याद हो, ऑप्टिक्स में स्फेरिकल लेंस और अपने स्फीयर सुने होंगे टेंथ में, उसमें जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है। तो ये देखो नॉर्मल इसके सेंटर से ही पास करेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये 60 डिग्री है। नॉर्मल रिएक्शन के तो कॉम्पोनेंट है एन कॉस 60, एन साइन 60, और वेट क्या है, एम जी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनेगी, एन साइन 60 इज इक्वल टू एम जी और एन कॉस 60 इज इक्वल टू एफ ए। बस दो इक्वेशन बना ली मैंने, एन साइन 60 एम जी, वहाँ से एन आ गया, एन कॉस 60 वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की वैल्यू आ गई। मैथ अपना अपना है, कैलकुलेशन अपनी अपनी है, बट इक्वेशन समझ में आ रही है कि कौन सी इक्वेशन किसके साथ बैलेंस कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ना लगे कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन है तो फिर मैं क्या लूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कैसे करूँ। एटलीस्ट आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शंस के कंपोनेंट बनेंगे, स्ट्रिंग में टेंशन के कंपोनेंट्स बनेंगे, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है हमें न्यूमेरिकल्स में। जब नया न्यूमेरिकल आएगा आपको आइडिया होगा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन था, कितनों का ये आंसर आ गया, 3 आया। देखो कैसे, इसके अंदर क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपके पास ना ये तीन चार्जेस गिवन है, मींस यहाँ पे ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है, गिवन है। इसके अंदर तीन कॉर्नर्स पे पड़ा हुआ है, हाउ मैनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद सेंटर एट ए सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट सेंटर इज गिवन। वो कह रहे हैं काम करो, तीन चार्जेस क्यू एंड क्यू एंड क्यू तो पता ही है आप, वो कह रहे हैं जी इस चार्ज को सेंटर मान लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर्कल ड्रॉ हो गया। तीन चार्जेस ट्राइंगल पे तो गिवन ही है, वो कह रहे हैं कि इसकी बाउंड्री पे मैं और कितने कम से कम चार्ज रखूं, तीन रखूं, छह रखूं, पांच रखूं, दस रखूं, कितने और चार्ज रखूं, ताकि ये चार्जेस कुल मिला के इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स की वैल्यू इतनी आनी चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स नहीं कहा, अलोंग क्या बोला, फोर्स एक्स में ही आनी चाहिए बस, और कहीं आनी नहीं चाहिए, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया, तो मैं ये चाहता हूं ये तीन चार्जेस के आसपास चार्ज रखूं ताकि मेरा फाइनल आंसर ऐसे ही आए। तो देखो ये जो चार्ज है वो इस चार्ज को यहां रिपेल कर रहा है तो वेक्टर यहां बन गया, पर मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूं कि फोर्स यहां बने, मैं तो चाहता हूं यहां बने। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज इमेजिनरी यहां रख लिया क्योंकि मुझे मालूम है ये चार्ज इस क्यू को उल्टा रिपेल करेगा, तो इससे ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर। चलो एक तो काम खत्म हुआ हमारा, ठीक हो गया। फिर ऐसे इसकी सेम स्टोरी, ये चार्ज इसको यहां फोर्स लगा रहा है, मैं नहीं चाहता यहां फोर्स आए तो मैंने इसके ऑपोजिट चार्ज लगा दिया जो इसे कैंसर, तो इनका हिसाब पूरा हो गया।
अब मैं एक और चार्ज लूंगा जो एग्जैक्टली यहां लूंगा ताकि ये चार्ज इसे एक्स के अलोंग रिपेल करे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो, 1/4πε0Q/Q^a2। तो मेरी बात बन जाएगी, तो कम से कम कितने चार्ज रखने पड़े, 1, 2 और 3, तो आंसर इज 3। दो चार्जेस ने तो कैंसिल कर दिया बाकी चार्जेस के इफेक्ट को, और जो तीसरा चार्ज था उसने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, क्योंकि तीसरे चार्ज को यहीं रखेंगे ताकि वो क्या करे, एक्स एक्सिस के अलोंग रिपल्शन शो करे। कोई डाउट समझ में आ रहा है यहां तक? तो तीन चार्जेस मिनिमम है जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है यहां तक? और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये गिवन है कि चार्जेस, चार चार्जेस हैं, पहला चार्ज बी पे है, दूसरा चार्ज सी पे है, तीसरा चार्ज डी पे है, नेक्स्ट चार्ज ओ पे है। चार चार्जेस हैं, ये चार चार्जेस हैं, और इन चार चार्जेस में कुछ ऐसे एंगल्स गिवन है, थीटा वन, थीटा टू, अगला थीटा थ्री, ये गिवन है। तो ये डी वाला चार्ज, ये डी वाला चार्ज क्या करेगा, ओ को इधर रिपेल करेगा, कैसे, एफ ऑफ डी ओ, फोर्स क्या लगाएगा, एफ ऑफ डी ओ। सी चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स क्या लगाएगा, एफ ऑफ सी ओ। बी चार्ज ओ को रिपेल करेगा, फोर्स क्या लगाएगा, एफ ऑफ बी ओ, राइट? तो तीन फोर्सेज हैं इसमें, कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ओ, तो ओ चार्ज पे जो फोर्स लगेगी कौन लगाएगा, ये तीन चार्जेस लगाएंगे, ड्यू टू चार्जेस बी एंड डी, उसने ये नहीं कहा सारे मिलके लगाए, बस चार्जेस बी और डी। तो ओ पे बी जो चार्ज फोर्स लगाएगा, डी जो चार्ज फोर्स लगाएगा, और अलोंग सी ओ, क्योंकि बी चार्ज तो इधर को फोर्स लगाएगा, बी जो चार्ज है वो तो ऐसी फोर्स लगाएगा, डी चार्ज ऐसी फोर्स लगाएगा, वो कह रहे हैं फोर्स कहां लगानी है, अलोंग सी ओ, इस डॉटेड लाइन के अलोंग लेनी है, तो मेरे को इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग सी ओ। तो जो मैं ये फोर्स लगाऊंगा उसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए दोनों की, मतलब बी जो फोर्स लगाएगा सी के ऊपर, डी जो फोर्स लगाएगा, दोनों की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बी जो फोर्स लगाएगा सी ओ के ऊपर, डी जो फोर्स लगाएगा सी ओ के ऊपर, उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है इसके इक्वल है वो तो ठीक है, पर दोनों की वैल्यू सेम है ये भी कहा जा सकता है। तो एक काम किया मैंने, मैंने ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा थीटा टू माइनस थीटा वन, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट ये क्या बनेगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। सिमिलरली ये थीटा टू है, ये थीटा टू है, ये थीटा वन है, या ऐसा करते हैं चलो ये थीटा थ्री है, ये थीटा टू है, तो ये थीटा थ्री माइनस थीटा टू है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट थीटा थ्री माइनस थीटा टू है। अब ये जो फोर्स है एफ ऑफ बी ओ है, पर मेरे को फोर्स कहाँ लगानी है, अलोंग सी ओ, तो मैं इसका कॉम्पोनेंट लूंगा इसके ऊपर एफ बी ओ कॉस थीटा थ्री माइनस थीटा टू, तो आ गई फोर्स अलोंग सी ओ। ऐसी ये जो फोर्स है अलोंग डी ओ है, मैं कॉम्पोनेंट लूंगा एफ डी ओ अलोंग सी ओ, और क्या लूंगा, एफ डी ओ कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और ये जो क्यू चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, ये क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का फोर्स से कैंसल, एंगल्स इनसाइड वाले भी इक्वेट, सॉल्व करके जो ऑप्शन मार्क करने ऑप्शन मार्क कर लेना, ठीक? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब